तो भाई रेडी हाँ आप जवेरिया? मैं रेडी हूँ। ओके भाई जवेरिया ये है मेरा वैनिटी और ऐसे दो और हैं घर पे। हाँ अभी वो है ना भाई, ये वो है जिसको शौक होता है अच्छा ले लूं और लगा के वही आती है काजल लगा के गाड़ी में मेकअप करने। देखो गाड़ी में मेकअप करके आई हूँ मैं तो, यार इतने मेकअप किस लिए रखे हुए। अच्छा ये है मेरा डियोर का, ये मैं लगाती हूँ। ये क्या है? सबसे पहले मुंह धोने के बाद सुबह उठते ये मॉइस्चराइजर है, सनब्लॉक है, मॉइस्चराइजर है। ओके ये अच्छा, सबसे पहले ये मुझे उन्होंने ये कह के दिया था कि जैसे मेरा जो जिनका गोरा रंग होता है ना कि ये जगह थोड़ा ब्लू सी होती है, ब्लू ये एरिया ब्लू होता है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, तो ये जो ड्राई होती है जगह वो ब्लू ब्लू सी हो जाती है, तो इससे मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मेरी ये जो ब्लू ब्लू जैसे हमारी ग्रे हो जाती है मेकअप की, मेरी ब्राउन होती है तो तुम्हारी ब्लू होती है, हाँ लाइट ग्रीन सी ना, तो ये उन्होंने कहा था कि आप बस जब भी लगाए मेकअप से पहले सब। तो तुम ये सिर्फ मेकअप से पहले लगाते हो या रात को सोते हुए भी? सुबह 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 सबसे पहले फेस सोते में मैं कुछ और लगाती हूँ, सोते में मैं ये लगाती हूँ विटामिन सी। अच्छा ये जब मैं शूट पे फ्री हो जाती हूँ ना तो मैं मेकअप साफ करती हूँ, गाड़ी में कुछ काम नहीं होता तो साफ करने के बाद उसके बाद फिर मैं ये मुंह पे लगा लेती हूँ, क्योंकि रात घर जाके फिर आपको कुछ याद नहीं रहता, बच्चे और मियाँ होते हैं सिर्फ। ये उसके बाद सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि दिन के वक्त मैं यूज करती हूँ ये अपना मेरा डियोर का है, थोड़ा डार्क है। अच्छा ठीक है ना, और ये मेरे स्किन के हिसाब से। ये क्या है? ये हमारे शनैल का है। ये शनैल का, ये हाँ, बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है और ये दिन के वक्त तुम ड्रामा में भी यही लगा रही हो या नॉर्मली आने जाने? नहीं ड्रामा में जब सर्दियां होती है ना तब मैं ये यूज करती हूँ, गर्मियाँ जब होती है तब मैं हुदा की करती हूँ। ओके या फिर ये मुसर्रत में। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर्दियों और गर्मियों की बेस चेंज होती है, एक जैसी बेसिस आप दोनों मौसमों में नहीं चला सकते। हुदा की बहुत अच्छी है, वो ड्राई बेस है, तो वो ये होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हम हाँ वो फिर आपका बेस हटता नहीं है वो टिक जाता है। हाँ। और सर्दियों में ये कि क्योंकि मेरी ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है यहाँ पे वो आ जाता है, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, घर में कहीं जाना हो तब मैं ये यूज़ करती हूँ और जब रात में कहीं एक जाना हो। और दूसरी कौन सी है? ये डियोर है। अच्छा दोनों नहीं शेड्स की वजह से नहीं लिया, ये लाइट है बिल्कुल, मतलब बहुत पतली है, बहुत पतली है ठीक है, ये मॉइस्चराइजिंग है बहुत ज्यादा। अच्छा मतलब क्रीमी सी हल्की सी हाँ, लेकिन है ये भी पतली, ये है भी ये भी लेकिन कवरेज उससे बेहतर देती है ये? नहीं दोनों की एक जैसी कवरेज, कवरेज पतली है लेकिन कवरेज अच्छी, कवरेज दोनों की अच्छी है। और उसमें ये बिल्कुल छोटा सा आप रग लगाए और पूरा फेस पे आपको कवर कर देती है। ओके अच्छा ये इसलिए क्योंकि लाइट कलर इसमें ये मुझे मिल रहा था, बोलो या डियोर बोलो, ये डियोर जो है इसमें मुझे लाइट कलर जो मिल रहा था वो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर लाइट आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने शनैल का ये मेरे बिल्कुल फेस ये देखिए, ये भी एक पॉइंट है जब आप मेकअप खरीद रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वही ब्रांड आपके उस पे भी अच्छा लगेगा, आपको लगा के चेक करना पड़ेगा। अच्छा ये थोड़ी सी जरा ऐसा क्या कहना चाहिए, बेज कलर में नहीं, ये थोड़ा मॉइस्चराइज इसमें हाँ, ज्यादा है। हाँ, ठीक है इसमें थोड़ा काम है। वो कुछ बेसिस ऑयल बेस होती है हाँ, तो वो बड़ा अच्छा स्किन पे लग फिनिश अच्छी देती है। ये जो है मेरे पास मैक पाउडर, ये मैंने बहुत सारे यूज करके देखे मुझे नहीं मजा आया। मैक का खोलो जरा, ये वो है जो पानी वाला भी, मतलब नहीं 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 नॉर्मल वाला है इसका, ये वो वाला नहीं, लेकिन इससे एक शिमरी आता है इसमें, नहीं एक शिमरी नहीं, देखो ये वाला ऐसा है यूज होता है, स्पंज गीला करो और पानी लगाओ, नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। अच्छा नहीं ये वो नहीं है, ये क्या नंबर है? वो नहीं है इसका, N35 आई थिंक। ओ बहन ये वही है, N 20, नहीं, तो ये तुम्हारा वाटर बेस का हल्का सा काम कर देखूंगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे, एक काम और भी कर, अच्छा एक ही मेरे पास और है, स्पंज इस पे लगाए ना तो ये वो हो जाता है, खराब हो जाता है नहीं। हाँ तो तुम पता है क्या कहते हैं, पाउडर लगाना और उसके बाद हल्का सा स्प्रे कर ले। हाँ स्प्रे है मेरे पास, ये बैका की है। हाँ ये बैका का बहुत अच्छा है, ये भी बेस है। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है कि सुबह से रात तक आपको लगाना है ना हाँ, तो ये हिलेगा नहीं, ये चमड़ी में जम जाता है नहीं, बैका का बहुत जमने वाला है, बहुत अच्छा है। तुमने भी बताया था ना एक दफा, तुमने कोई बेस किसी कंपनी की लगाई थी, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरा मुंह खिंच गया है पूरा। वो है क्या नाम है उसका जिसके ब्रशेस, याद दिलाओ शहजादी, आउटडोर पे जाना होता है ना, आउटडोर क्या आपको धूप में रहना है और वो करना है या शूट पे अगर आपने आउटडोर पे जाना है हाँ, तो मैं ये लगाती हूँ, ये नहीं क्रिस्टन डियोर थी वो, नहीं नहीं क्रिस्टन डियोर जॉर्ज समथिंग थी वो हाँ, वाली थी नहीं नहीं। अच्छा ये है मेरा, उसको पता है चुरेगी। अच्छा। ये मेरा मैक का
ये शिमरी है थोड़ा सा, ये आप लगा लें स्किन के ऊपर और इसके बाद आप मेकअप करें। क्या है शिमर? शिमर शिमर हाईलाइट जैसे इन्होंने दिखाया था ना, हल्का सा बेस से शिमर लगा। ये जैसे ना मॉइस्चराइजिंग वाले हाइलाइटर ये आप पहले लगाएं, नीचे भी लग जाते हैं ये। अच्छा मैं बेस के नीचे नहीं लगाती, मैं इसको बेस में मिक्स करके लगाती हूं। वो भी कर सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप बेस पहले लगाते हैं तो कोई बेस ऐसी होती है जो नहीं उसके ऊपर जमती, तो बेस में मिक्स करके लगा दें तो वो वही काम देता है पहले लगाने का बाद में। अच्छा ये टेंट है मेरे पास। अच्छा ये किस चीज की टेंट है? ये रेड कलर की है। नहीं नहीं सफूरा, मतलब सफूरा सफूरा सफूरा। अच्छा जब मुझे दिन में कहीं जाना होता है ना लंच वगैरह पे, तो लगे ना कि मैंने खूब ब्लश ऑन लगाया हुआ है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले टेंट लगाती हूँ, मॉइस्चराइजिंग करने के बाद टेंट लगाने के बाद फिर मैं उस पे बेस लगाती हूँ। अच्छा बंदे से अच्छा लगता है। हाँ ना वो डार्क होता है, क्योंकि टेंट का मसला है कि अगर आपने यू करा है तो वो निशान ही रह जाएगा। हाँ, हाँ, ये बड़ा मसला होता है। कितनी बड़ी कंपनी है, अच्छी तरह मर्ज करना चाहिए उसको। और मॉइस्चराइजिंग लगाने के बाद फिर इसको करना चाहिए। अगर आप सादे मुंह पे लगाएंगे ना तो वो ड्राई हो जाएगा। ये वो है। अच्छा अब ये है मेरा कंटूरिंग, क्योंकि पाउडर मैं ज्यादा यूज नहीं करती नॉर्मल लाइफ में ना, कि जैसे कंटूरिंग का पाउडर हो, ये कंटूरिंग के लिए कंटूरिंग बेस है, नीग्रो बेस होती थी याद है। और ये मैट है सर, मैट है। तो ये कौन सी ब्रांड की? ये मुझे पता नहीं, मुझे नजर आई थी तो मैंने खरीद ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने लगा के देख रही। ये तो बेस के नीचे लगाती होगी ना, या कंटूर करने के लिए? कंटूर करने के लिए, क्योंकि अच्छा दिन में आप कहीं जाते हैं ना तो आप कंटूरिंग लगाएं। नहीं सफूरा नहीं है ये ऐसी कोई एक्स वाई जेड नॉर्मल, सिर्फ इसके कलर की वजह से कोई भी ब्रांड उठा क्या लिखा हुआ है मुझे नजर नहीं आ रहा। ये देखेगी ब्राउन पे ब्लैक नहीं आएगा ना, ब्राउन पे ब्लैक क्या आएगा नजर? ये है बी एच लिक्विड फाउंडेशन नेचुरली फ्लॉलेस, बी एच कॉस्मेटिक्स आई थिंक सो। ये टर्किश ब्रांड है, पता नहीं बी एच है, लेकिन ये ब्रांड अच्छी है। और ये फाउंडेशन है, लेकिन कंटूर में वो ये फाउंडेशन है ना, हमारे लिए ये कंटूर है। अच्छा ये बड़ी अकलमंदी है तुम्हारी ये वाली, उसकी वजह ये कि जो आपको लिक्विड कंटूर्स मिलेंगी ना वो इतनी सी होंगी, पतली सी। मैंने बोतल लिया ना, फाउंडेशन ज्यादा है, ज्यादा चलेगी, लगती बहुत कम है, कुछ स्पॉट्स में लगेगी बहुत कम। ये अवीनो का मेरा ये लोशन है, लोशन ये साथ रखती हूँ, बहुत अच्छा है ये ब्रांड अवीनो। वीनो ये एवीनो, AVEENO, ये बहुत अच्छा होता है हाथों के लिए, पैरों के लिए, सब चीज के लिए। ये मेरा फिक्सर स्प्रे है। ये किस क्लिनिक? क्लिनिक हाँ, ये बहुत लंबा चल रहा है, 2 साल हो गए इसको। हाँ। हाँ। तो दे दो ना, और बहुत अच्छा है। जैसे तुमने मुझे किट दी, जैसे तुमने मुझे किट दी, वैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। बोर हो रही है, दे दे, बोर हो रही है, अच्छा कुछ नहीं आ रहा। ये क्या है? ये मियां मेरे लिए लेकर आए थे 2 ब्लश। ये मैक के हैं, हल्के हल्के इसमें शिमर सा है, मतलब शाइनिंग है, इसमें शाइनिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।